बहुत ही बढ़िया से ठीक हुए तैयार, और मैं आपको इसका तोड़कर टेक्सचर भी दिखाती हूँ। ठीक, क्रंची, क्रिस्प और क्रंची। आवाज आ रही है खाने की, बहुत खस्ता बनता है ठेकुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बन रही है बिहारी क्विजीन की एक पॉपुलर डिश। तीज त्योहार पर खास मौके के लिए या प्रसाद के लिए बनता है ठेकुआ, जो होते हैं एक तरह के मीठे बिस्किट। ठेकुए पे होते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन। उसके लिए खास सांचा भी मिलता है, लेकिन अगर आपके पास सांचा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी ये डिजाइन हाथ से ही बनाए हैं बिना सांचे के। आज मैं बनाऊंगी ठेकुआ दो तरीके से, एक होगा डीप फ्राइड और दूसरा होगा बेक्ड वर्जन। उन लोगों के लिए जो कि तला हुआ खाना प्रेफर नहीं करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए मैं पैन में डालूंगी 3/4 कप चीनी, ये डाली मैंने आधा कप और ये 1/4 कप, तो मिलाकर हो गई 3/4 कप। इसमें डालूंगी आधा कप से थोड़ा सा कम पानी। गैस को करते हैं ऑन। इस रेसिपी के लिए हमने कोई चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी घुल जाए उतना ही हमने इसे कुक करना है। मैं रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ रॉ शुगर, यानी कि देसी खांड। आप चाहें तो गुड़ के टुकड़े करके वह पानी में इस तरह से घोल लें। गुड़ से या रॉ शुगर से ठेकुए का बहुत ही बढ़िया कलर आता है। 3 मिनट लगे हैं और चीनी घुल गई है। गैस को मैं करती हूँ बंद और पैन को भी साइड में रख देती हूँ। ये पानी ठंडा हो जाए तो फिर हम आटा गूंथेंगे। इतना पानी मैंने तैयार किया है 2 कप आटे के लिए। आप घर का कोई भी कप ले लें, उसी से ही सारी चीज़ें नाप लें। अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच किशमिश, बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते बेशक ना डालें। सूखा नारियल बहुत अच्छा लगता है ठेकुए में। मैंने सूखे नारियल के पतले पतले और छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच। इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। साथ में मैं डालूंगी 2 छोटे चम्मच सौंफ। ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया फ्लेवर देती हैं। उसी के लिए डालूंगी आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अब पहले इन सारी सूखी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब जैसे मैंने इसमें किशमिश डाली है, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बस छोटा छोटा काट कर डालिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी। घी को पूरे ही आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपनी उंगलियों के बीच में से मसलते हुए। ये देखिए इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, और अगर आप इसे अपनी मुट्ठी में लें तो ये बंध रहा है। इतना घी जब डलेगा रेसिपी में तो बहुत ही खस्ता ठेकुए बनेंगे। अभी पानी भी ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म हो तो चलेगा, बहुत ज़्यादा गर्म में मत गूंदिएगा। बस अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक स्टिफ डो बना लेंगे। सख्त रहेगा इसका डो, जैसे हम रोटी परांठे के लिए बनाते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट डो, वैसा नहीं बनेगा ये। देखिए मैंने स्टिफ डो बना लिया है। डो बनाते वक्त अगर आपको लगे कि जो पानी आपने बनाया है वह थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप उसी के अनुसार थोड़ा सा आटा और डाल लें, या अगर लग रहा है कि पानी कम हो गया है तो आप नॉर्मल वाटर साथ में ले लें। इसे मैं डिवाइड करूंगी बराबर साइज की 14 बॉल्स में, 14 बॉल्स, 2 कप आटे से 14 ठेकुए। अब है इस रेसिपी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वह है ठेकुए को शेप देना और उस पर डिज़ाइन बनाना। तो एक पोर्शन ले लिया है, उसकी गोल बॉल बनाई और उसे फ्लैट सरफेस पे, चाहे प्लेट हो चाहे आप चकले पर कर लें, मैं कटिंग बोर्ड पर कर रही हूँ, हल्के हाथ से इसे प्रेस करेंगे। ठेकुआ बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे इस टाइम पर, क्योंकि ये कुक होने के बाद भी थोड़ा फूल जाएगा। अब इस पर डिज़ाइन बनाने के बहुत सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। देखिए मैंने एक ग्लास ले लिया है जिस पर बाहर थोड़ा सा डिज़ाइन उभरा हुआ है। बस इस ग्लास को मैं प्रेस कर दूंगी इस बॉल के ऊपर। देखिए हल्का सा ही प्रेस किया है तो एक पैटर्न आ गया है। अब चाहे ऐसे ही रख लें, चाहे इसको और आगे बढ़ा लें। मैंने पेड़े को घुमा कर फिर दोबारा से इसके ऊपर ग्लास प्रेस कर दिया है। देखिए कुछ लाइंस और आ गई, नया पैटर्न बन गया। अब दूसरे पैटर्न के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रूट फोर्क। इसमें 2 ही आगे कांटे होते हैं, ऐसे प्रेस करेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जैसे मर्जी डिज़ाइन बना लें। देखिए चारों तरफ मैंने दबा दिया और सेंटर में भी थोड़ा सा डॉट्स बना देती हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ ठेकुए का एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन, पूरी गोलाई में ही फोर्क से इस तरह से प्रेस कर देंगे। सेंटर में थोड़ा प्लेन लग रहा है, मैं इसमें बीच में भी होल्स कर रही हूँ। बिल्कुल अपनी मर्जी से करिए, बच्चे करेंगे ना तो उन्हें ये करने में बहुत मज़ा आता है। ठेकुए का एक बहुत ही पॉपुलर डिज़ाइन है पत्ती शेप में। उसके लिए ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में घुमाकर फिर उसे हाथ से पत्ती की शेप दे देंगे, प्रेस करेंगे
और फिर टूथपिक से पत्ती वाला डिज़ाइन भी बना देंगे ऊपर। ये देखिए लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। आपके पास किचन में जो भी चीज़ें हैं जिन पे कुछ पैटर्न बना हुआ है आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये मैं कद्दूकस के ऊपर प्रेस कर रही हूँ तो उसका पैटर्न आ जाएगा। कोई प्लास्टिक की बास्केट हो उसे साफ़ करके इस्तेमाल कर लें। ये स्टिक आई थी अपे बैंड के साथ, इससे ठेकुआ में डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैंने अभी कुछ ठेकुए तैयार कर लिए हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन हैं। इन्हें अब मैं पहले बेक करने के लिए डाल रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगना है। अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे में मैं लगा रही हूँ पार्चमेंट पेपर ताकि इन्हें ठेकुए को बनने के बाद मैं आराम से उठा सकूँ। इसके ऊपर इन्हें प्लेस करती हूँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर और ये ट्रे जा रही है अवन में पहले 20 मिनट के लिए। मैं अभी आगे वीडियो में आपको और बहुत सारी टिप्स देने लगी हूँ कि इससे आपके बेकिंग के रिजल्ट्स सबसे बढ़िया आएँ। बचे हुए ठेकुए को मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी जो कि ट्रेडिशनल रेसिपी है। अगर सब पे सेम ही डिज़ाइन बनना हो तो इस तरह से इकट्ठा बनाएंगे तो फटाफट से काम हो जाएगा। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम हीट पर। तेल को चेक कर लेते हैं, डो का एक छोटा सा टुकड़ा डाला है मैंने और देखिए डो डालते ही उसके आसपास काफ़ी तेज़ बुलबुले उठ रहे हैं लेकिन ये भी ऊपर नहीं आ रहा है एकदम से, तो यानी कि हमारी जो तेल की हीट है बिल्कुल बराबर है। इस हीट पर हमने ठेकुए फ्राई करने हैं। इन्हें ध्यान से डाल देंगे गरम तेल में। इन्हें तेल में डालने के बाद मैं हीट को कर दूंगी लो और मीडियम के बीच में, थोड़ा सा लो की तरफ ज़्यादा। आप इन्हें हाई हीट पर बिल्कुल फ्राई ना करें। हाई हीट पर फ्राई किया तो ये ऊपर से तो बहुत ही जल्दी इसका गोल्डन कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वे कच्चे रह जाएंगे। तेल बराबर गर्म हो जाए उसके बाद ही इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालिएगा। इन्हें ठंडे तेल में अगर डाला तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, मैं तो इसे तेल में तल रही हूँ, आप इसे घी में भी तल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है उसका। ये अवन वाले ठेकुए हैं, अभी 20 मिनट के लिए मैंने इन्हें बेक किया है लेकिन अंदर से अभी भी थोड़े से कच्चे हैं। 20 मिनट के बाद मैंने इन्हें निकाल लिया है और मैं इन्हें देने लगी हूँ मिल्क वॉश। मैं अब ब्रश से इस पर लगाने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा सा दूध, ये सिर्फ एक बेटर कलर के लिए है। मैंने अभी आधे आटे से बेक की हैं ठेकुए, आधे से फ्राई की हैं। अगर आप सारा ही आटा बेक करने के लिए गूंद रहे हैं तो आप उसे दूध में भी गूंद सकते हैं, जैसे मैंने पानी में गूंदा है वैसे आप उसे दूध में गूंद सकते हैं। इन सभी ठेकुओं पर मैंने थोड़ा दूध लगा दिया है। अब मैं ट्रे को वापस डाल रही हूँ ओवन में 5 मिनट के लिए। हर ओवन अलग है, जब आप पहली बार इन्हें बेक करें तो थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा, इनका बॉटम चेक कर लीजिएगा। मैं आपको वीडियो में आगे दिखाती हूँ किस तरह का होना चाहिए। ऑलमोस्ट 6 मिनट में अब एक तरफ से ये फ्राई हो गए हैं। इन्हें बहुत ही ध्यान से पलटेंगे, साथ में कोई हेल्पर स्पून या इस तरह से नाइफ ले लीजिएगा, बहुत डेलिकेट होते हैं ये। पलट कर अब इन्हें दूसरी तरफ से भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। टोटल 10 मिनट में ये बैच हो गया है फ्राई। ये देखिए हल्के गोल्डन कलर के होंगे तब हम इन्हें तेल में से बाहर निकाल लेंगे। अभी बहुत गर्म है, इनके अंदर कुकिंग चलती रहेगी, इनका कलर थोड़ी देर रखने के बाद थोड़ा सा डार्क भी हो जाएगा। अभी ये इस टाइम पर काफ़ी डेलिकेट भी हैं तो इन्हें छेड़ेंगे नहीं। ये जब ठंडे हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे और भी खस्ता। आप इन्हें फ्राई करके एयर बिल्कुल ठंडा होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करें, ये 1 महीने तक बिल्कुल आराम से बढ़िया से चलेंगे। ये हुए फ्राइड ठेकुआ। इनका जो टेक्सचर है मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी दिखाया है। अब चलिए बेक्ड ठेकुए को भी देख लेते हैं। टोटल 25 मिनट लगे हैं और हमारे ये बेक्ड ठेकुआ भी हैं तैयार। इस टाइम पे इनका कलर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई देगा जैसे डीप फ्राइड वालों का कलर है, और अब जैसे ठंडे होंगे तो भी इनकी कुकिंग थोड़ी सी आगे चलती रहेगी। बेक्ड ठेकुआ भी हो गए हैं ठंडे, मैं इन्हें भी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक अच्छे से बेक हो गए हैं। इनका टेस्ट डीप फ्राइड वालों से अलग है लेकिन अपने आप में बहुत बढ़िया टेस्ट है। बेक्ड ठेकुआ के साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जब हल्के गर्म होते हैं तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर तो आप इनको फ्रेश ही बनाकर उसके बाद खा रहे हैं तो बढ़िया है, अगर ठंडा होने के बाद खा रहे हैं तो खाने से पहले माइक्रोवेव में कुछ सेकंड्स के लिए गर्म कर लें। ये बेक्ड ठेकुआ आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। देखिए कितने बढ़िया से गोल्डन बेक्ड हैं ये, देखने में भी बहुत सुंदर हैं और खाने में भी फ्राइड वर्जन की तरह ही अच्छे से खस्ता। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट करें, अपने सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें और पूनम्स किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन याद से क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले।
अभी के लिए है बाय, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।